आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। नमस्कार, फूलपुर संवाददाता सोनू कुमार और आप हमारे साथ देख रहे हैं के मास न्यूज। इस समय उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के पवई थाने के अंतर्गत ग्राम सभा ओरिल में। यहाँ एक जमीनी विवाद है, उस विवाद को लेकर दोनों पक्ष जो है विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या विवाद है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। रमेश कुमार, ग्राम ओरिल खबड़िया से। क्या मामला है? जमीनी विवाद है सर, हमारी जमीन में जोर जबरदस्ती के द्वारा जो है कब्जा किया जा रहा है सर। पुलिस प्रशासन हमने रुकवाया, 2-3 बार रुकवाया, रुक गया था मामला। फिर एक बार 100 नंबर आई है बाइक द्वारा, उसके बाद हम दोनों पक्ष को वहाँ थाने पर बुलाया गया। थाने पर हम जा रहे थे, सोमा हड्डी तक हम पहुँचे हैं। हम साइकिल से थे, ये सब गाड़ी से थे, ये पुलिस प्रशासन के साथ गए। हम साइकिल द्वारा वहाँ सोमा हड्डी तक गए। उसके बाद हमारे घर से फोन आया कि वो जबरदस्ती फिर जोड़ रहे हैं। नंबर की गाड़ी जब यहाँ पे आई थी जी सर, दोनों पक्षों की क्या कही? कही कि दोनों आदमी काम रोको, काम रोक कर चलो थाने पर। हाँ, तो हम लोग थाने पर जा रहे थे, हम सोमा हड्डी तक साइकिल द्वारा पहुँचे हैं सर। उसके बाद घर से फोन गया कि वो सब फिर जुड़ाई कर रहे हैं, पर पुलिस प्रशासन कर रही। काम चल रहा है जी, 3 दिन से। 3 दिन से काम चल रहा है जी। तो पुलिस प्रशासन आज क्यों बुलाया, उसके पहले क्यों? अरे साहब, वही दिन है से आवत गए, 10-12 दिन आ चुकल पुलिस। हाँ, सब रोकाए जात बस श्रीमान जी। तो ये जो जमीन कैसी जमीन है? जी, ये 1/2 की बाप दादा की जमीन है। जैसे हमारे पिता दो भाई थे, बाप दादा की जमीन है। क्या चाहते हैं वो सर? श्रीमान जी, हम जब पीछे से बांटा गया है, 29 फुट 3 इंची हमको मिला है, 29 फुट 3 इंची इनको मिला है पीछे की जमीन से। और आगे की जमीन जब बांटने कह रहे हैं तो आगे की जमीन नहीं बांट रहे हैं सर, नहीं बांट रहे हैं। बांटने के विवाद में मार झगड़ा, टांगी और गड़ासी लेकर हमको दौड़ा रहे हैं सर। हमारे पास वीडियो है। अच्छा। और ग्राम प्रधान अगर नहीं पकड़े होते तो हमको पता है हमारे ऊपर क्या गुजरती वो। चलिए ठीक है, और मेरे साथ में विपक्ष भी आई है, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या नमस्कार सर, क्या मामला है भैया? क्या, कहाँ के रहने वाले? क्या परिचय अपना बताइए पहले। मेरा नाम राजकुमार गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम ओरिल खबड़िया से। ये जो बता रहे हैं कि मेरी जमीन को जबरदस्ती जुड़वाया जा रहा है, इससे आपका क्या कहना है? मैं 1/2 का हकदार हूँ, मुझे 1/2 नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुझे पंचायत के द्वारा जितना दिया गया है मैं उतने पे जुड़वाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पंचायत ड्यूटी? हाँ, परसों के दिन पंचायत ड्यूटी हुई, मेरे पास पंचनामा है, ग्राम प्रधान है, मेरे पास ग्राम पंचायत के पूरा सिग्नेचर मोहर के साथ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे वो कह रहे हैं कि मेरी जगह है, फिर आप क्या उसको कहेंगे, कैसे आप, जैसे आपने कहा कि 1/2 का हमारा, हाँ, 1/2 का हमारा जैसे है भैया, हाँ, मुझको भी इसमें चाहिए, ठीक है, तो कैसे ये मालूम पड़ा कि आपका यहाँ तक है, उनका यहाँ तक? आजा बाबा की जमीन है, यहाँ पे मेरा पैदाइश है, मेरे बाप की पैदाइश है। ये बंटवारे के विषय में, बंटवारे जैसे ये जो जगह बन रहा है पंचायत द्वारा नापा गया है, वही चीज पूछ रहा हूँ। पंचायत द्वारा नापा गया है, ये जगह कैसी है? पंचायत अपना बाप दादा की जगह है। आबादी बंजर है? आबादी बंजर नहीं, बाप दादा का है, यहाँ पे हमारा बाप दादा का। पौई थाने से जब पुलिस आई तो क्या कही? पौई थाने से पुलिस नहीं आई है, ये कहीं फूलपुर से 100 नंबर बुला रहे हैं, कहीं दीदारगंज से बुला रहे हैं, और अलग अलग जगह से ये 100 नंबर बुला के खाली काम हमारा रोक रहे हैं। अच्छा, प्रशासन, हाँ, क्या कही आने के बाद? प्रशासन आने के बाद देख रही है, गाली दे के जा रही है इनको, ये मिल नहीं रहे, फोन स्विच ऑफ करके भाग जा रहे हैं। प्रशासन हमको थाने पे ले गई है, भाग आए गए नहीं।